हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने पहले शो में जिसका नाम है अभिषेक टॉक्स, जहाँ पे मैं बात करूँगा अलग अलग मुद्दों के बारे में अलग अलग लोगों से। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, यानी कि पहला एपिसोड शुरू करते हैं। तो कौन आ रहा है आज पहले एपिसोड में, क्या आप जानना चाहेंगे? चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए उन्हीं को बुला लेते हैं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ साहब? आप हैं अभिषेक टॉक्स के पहले एपिसोड में और ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, तो एक्टिंग मत करिए यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए करें शुरुआत। हाँ, तो दोस्तों हमारे पहले गेस्ट पहले शो के आ चुके हैं, तो अपने बारे में आप बताएंगे कि मैं बताऊँ? जी अपने बारे में खुद। अच्छा, एक मिनट, सेट कैसा लग रहा है? सेट तो दमदार लग रहा है यार, दमदार। ये देखिए, ये लगा रखा है जो पीछे, और जो लाइट बल्ब वगैरह बढ़िया लग रहा है ना सब कुछ। लाइट बल्ब के कैमरे में भी दिखाई दे रहा है। अरे यार सब दिख रहा है। तुम ये बताओ आपको सेट कैसा लग रहा है? सेट तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कॉफ़ी या चाय लेंगे शो से पहले या शो के बाद? आप शो में देंगे क्या? देते तो नहीं, हम अपने मेहमानों को कहते हैं कि वो खुद जाके बना सकते हैं अगर आपको बनानी है। नीचे जाके, नीचे किचन है हमारी, जाना चाहेंगे आप? चलिए शो के बाद हम आपको पिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एपिसोड भारत गुप्ता के साथ। हम इनका नाम आप सभी को बता देते हैं। तो भारत, अपने बारे में बताइए सबसे पहले, तो आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करते, वो भी बता दीजिएगा। क्या नहीं करते? नहीं, पहले बताइए क्या करते हैं, जो नहीं करते तो बाद में बताएंगे। ठीक है, ठीक थोड़ा ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मैं मुंबई में डायरेक्शन कोर्स कर रहा हूँ, विस्लिंग वुड्स। विस्लिंग वुड्स एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जहाँ तक कि अभी मैंने जितना पढ़ा हुआ है मतलब जितना मैं पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है मज़ा आ रहा है, मतलब जितना वहाँ पे एनवायरनमेंट वगैरह आपको अच्छा लग रहा है। सही बात है, ठीक है। और बाकी मस्त चल रहा है, मुंबई में सीखने को मिल रहा है, गाड़ियाँ जा रही है लगता है। तो गाड़ियाँ रोड है भाई साहब, बाहर तो गाड़ियाँ तो चलेंगी ना। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आज का जो एपिसोड है वो है कि हाउ इज़ देहरादून डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम बॉम्बे, और हम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि बॉम्बे देहरादून से डिफरेंट कैसा है, क्या यहाँ पे डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं देहरादून और मुंबई, मतलब हमें आज वो करना है एक तरीके से, इन दोनों के बीच एक लड़ाई युद्ध छेड़ना है, सॉरी युद्ध छेड़ना हाँ, आज मुंबई और देहरादून के बीच कंपैरिजन करना। हमारे कैमरामैन ने सही याद दिलाया, तो आज पहला एपिसोड है, थोड़ी गलती होगी ना, के बारे में कंपैरिजन करना है। तो आप वैसे कहाँ, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप खुद बताइए सबको। तो मैं बेसिकली देहरादून से ही बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे अभिषेक के साथ वीडियो बनाता था, म्यूजिक वीडियो, और हमारे कैमरामैन के साथ मिलके, बहुत ही अच्छे कैमरामैन सुगम वशिष्ठ, आप जानते होंगे शायद इन्हें। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इनको भी फॉलो करना, मुझको मत करना, ठीक है? ओके, हाँ, इनके वैसे ही बहुत फॉलोअर हैं, तो अभिषेक के साथ मैं म्यूजिक वीडियो बनाता था, तो एक हमारी म्यूजिक वीडियो अक्षय कुमार ने शेयर कर दी। उसके बाद तो यार पॉपुलैरिटी लेवल अलग ही हो गया था। मैं इंटरव्यू दे रहा था तो पापा ने कहा यार इतना मुश्किल नहीं है, मैं बहुत समय से जाना चाहता था कि फिल्म स्कूल में जाके सीखूं। अच्छा, पर मेरे पापा बोलते थे कोई फायदा नहीं, लेकिन जब क्योंकि पापा को लगता था वो फिल्म कितना दूर है, डिस्टेंस इज टू मच, लेकिन जब पापा ने देखा कि यार अक्षय कुमार ने शेयर कर दिया यार, तो इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, तो ट्राई करो देखते हैं क्या होता है। तो इस वजह से, तो मतलब आप मानते हैं कि मेरी वजह से आप जो आज बॉम्बे का सफर कर रहे हो और बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप मानते हैं एक तरीके से? देखिए मैं मानता भी हूँ और नहीं भी मानता। अच्छा, क्योंकि देखिए अब सब बताना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बोले बोले बोले। तो एक्चुअली आप तो कुछ और ही बनाना चाह रहे थे, याद है? अच्छा, अच्छा। आप तो ढिंचक पूछेगा इंटरव्यू लेना चाहते थे। ठीक है, ठीक है। तो ये मुद्दे से, ये स्क्रिप्टेड सुनिए है ना, हम मुद्दे की बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं देहरादून और बॉम्बे के बारे में। तो देहरादून में आपका बचपन गुजरा है, तो देहरादून की अभी कुछ बहुत ही मतलब यूनिक या फिर कोई खुशी वाली यादें हों, जो मजा आपको देहरादून में आया, मतलब देहरादून के बारे में बताइए। आपकी बचपना आपका देहरादून में किस प्रकार से गुजरा, स्कूल में, अपने आप नानी के यहाँ, मतलब जो भी आपके रिलेटिव वगैरह रहते थे वहाँ, आपका बचपन कैसे गुजरा उसके बारे में बताइए आप। तो देहरादून में तो यार बचपन बहुत ही अच्छा था यार, इतना मजा जितना देहरादून में आता है मुझे कभी बॉम्बे में आता नहीं। मैं भी अब बचपन की बात कर रहा हूं, बचपन का ही बता रहा हूँ। तो हाँ मतलब बॉम्बे में तो कोई बचपन गुजरा ही नहीं है, ठीक। तो देहरादून में बचपन बहुत मजा आया। बचपन में हम पार्क्स में जाते थे, खेलते थे। अब तो पार्क्स की भी क्या हालत कर दी है, अब तो पार्क्स में लोगों ने पेड़ पूड़ बना दिए, बीच में फूल उगा रखे हैं यार, तो बच्चे पार्क में फूल नहीं उगेंगे तो क्या वहाँ पे रसगुल्ले उगाए जाएंगे? अरे यार आप सुनिए, देखिए पार्क के साइड साइड में फूल लगाए आप, पार्क के बीच में कौन फूल लगाता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं? अच्छा, बीच में ग्राउंड को लेवल ना करके उसको ऐसा कर दिया। अच्छा, इस बात को मैं काटना चाहूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल जो पार्क्स हैं
वो कुछ और खेलने के लिए यूज किए जाते हैं, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, इसलिए वहाँ पे फूल फाल लगा दिए गए ताकि लोग वहाँ आए ना, और तो आप समझ गए होंगे क्योंकि देहरादून में बाहर के लोग बहुत आते हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं, बचपन के बारे में बताइए, पार्क के बारे में क्यों बता रहे हैं आप, आपको छोड़ना है। तो मैं पार्क्स में खेलता था, कभी अपने घर में खेलता था, मैं करके बाहर अच्छा सा ग्राउंड है, बचपन में तो ऐसा लगता था बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको लगा छोटा हो रहा है ग्राउंड। हाँ सही बात है, बचपन में तो मेरे को साइकिल भी ऐसी लगती थी, पता नहीं क्या है ये साथ, सही बात है। तो फिर पेट्रोल भी डालते थे हेलीकॉप्टर में अपने, अब शांति से बात तो मतलब एक तरीके से बचपन बहुत अच्छा गुजरा। तो दोस्तों के साथ कोई एक कोई हंसी मजाक या फिर कोई डेंजरस सी कोई बात हुई हो देहरादून के अंदर, डेंजरस सी एडवेंचरस सी, बहुत बहुत एडवेंचरस सी बात, एक बात बताइएगा। तो एक बार हेमंत और मैं वहाँ पे, हेमंत कौन है, हेमंत मेरा बचपन का दोस्त है, तो अब नहीं है दोस्त आपका, अभी भी है। अच्छा ठीक है, मैंने था नहीं बोला, मैंने बोला बचपन का दोस्त है, ठीक है ठीक है, मतलब जिंदा है अभी। ओके ओके ओके। तो फिर हेमंत के साथ हम फॉरेस्ट कॉलोनी गए, फॉरेस्ट कॉलोनी में हम एक कुत्ते को फॉलो करने लगे, कुत्ते को फॉलो मतलब कुत्ते को क्यों फॉलो करा आपने यार, ऐसे ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे क्या है यहाँ पे, मतलब कुत्ते को फॉलो करके एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या है, कि कुत्ता कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ पे है एक प्रकार से। ठीक है, एक्चुअली हम एक फैक्ट्री टाइप एरिया में घुसे थे, जो फैक्ट्री टूटी फूटी थी। अच्छा, तो उसके अंदर कुत्ता जा रहा था, तो हम भी अंदर चले गए, लेकिन कुत्ता अंदर गया लेकिन गायब हो गया। ओ, तो मतलब वो रहस्यमय कुत्ता था। फिर ये मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं मतलब आत्मा थी कुत्ते की, अब जान अब पता नहीं क्या थी। उसके बाद हम वहां से बाहर आए, जैसे हम बाहर आए ना, तो हम देख रहे हैं वहां पे ना पूरा गांव वो चाय काटने का वो क्या होता है उसको लेके आ रहा है, पार्सल डराती है, उसको लेके चल के आ रहा है हमारी तरफ, हम तो डर गए यार। और हेमंत मेरे को बोल रहा है कि भाई अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आप बात को ना बहुत क्या बोलते हैं बहुत ही अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो ठीक है, आपका बचपन एक तरीके से बहुत मजेदार और बहुत ही एडवेंचरस गुजरा है देहरादून के अंदर। तो फिर आते हैं हम, जब आपने 12वीं पास कर लिया आप बॉम्बे गए, तो आपका जो पहला दिन था बॉम्बे के अंदर, तो उस दिन आपने कैसा महसूस करा? फर्स्ट डे मैं बॉम्बे में गया तो मैं सीधा एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, और एयरपोर्ट देखा मैंने यार, इतना बड़ा एयरपोर्ट में तो यार देहरादून के 100 एयरपोर्ट बन जाए मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला कि बेल्ट में कैसे ये आते हैं बैग्स। अच्छा, उसके बाद बॉम्बे में जब मैं फर्स्ट टाइम ओला से अपने दादी जी के घर जा रहा था, तो मैंने देखा यार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गर्दन दर्द हो जाए भाई ऊपर देखो तो। ठीक है, उसके बाद मैं कांदीवली पहुंचा, तो मैंने वहां पे देखा मेरे दादी जी का जो एरिया है ना वो बहुत ही क्लीन है, और वहां पे ट्रैफिक भी नहीं रहता, तो ट्रैफिक से जैसी उस तरफ मुड़ो तो ऐसा लगता है सडनली गाड़ी कहाँ चली गई, पूरा सन्नाटा उस तरफ। वो लोकेशन मेरे को बहुत पसंद आई, मैं कुछ समय वहाँ रहा, लेकिन जैसे ही मैं फिल्म सिटी की ओर गया तो मुझे पता चला मुंबई का रियल लोकेशन, रियल हाल, इतना ट्रैफिक, टू मच ट्रैफिक। ठीक है, जो यहाँ पे देहरादून में नहीं दिखेगा आपको, देहरादून में शांति दिखेगी, पर बॉम्बे में जो सिटी लाइफ है वो डिफरेंट है पूरी। वहाँ पे लोग 2-2 बजे तक जगह रहते हैं, 2-2 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं, शॉप्स खुली रहती हैं। ठीक ठीक ठीक, बाहर खुले रहते हैं। तो आपने अभी जैसे कि आपने बाद में बोला अभी आपने कि आपके दादाजी का जो एरिया है बहुत क्लीन है, तो जहाँ आप रहते हैं क्या वो एरिया क्लीन नहीं है क्या, जहाँ आप रहते हैं आपका घर है, कह सकते हैं आप क्लीन मलिक चौक देहरादून में, वसंत आप देहरादून जैसी जगह पे रहते हो तो आपको क्लीन नहीं लगती? देहरादून तो क्लीन है, नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि देहरादून क्लीन नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ मुंबई के कंपैरिजन में जो मेरे दादाजी का लोकेशन है ना वो अलग ही लेवल पे है। तो आप देखिए वो बहुत पॉश इलाका है, लेकिन जहाँ मैं रह रहा हूँ मुंबई में अभी वो उतना इलाका बिल्कुल भी अच्छा नहीं, गोरेगांव में रह रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे यार वो बात नहीं है। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं, जहाँ जैसे आप बता रहे हैं आपका दादा का एरिया पोर्च इलाका है, तो उस जो वो एरिया है जो आपका, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि साफ सुथरा है, जैसे कि आप बता रहे हैं अपनी बात में कि आपका जो दादा का एरिया वो पर्टिकुलर एरिया जो पोर्च इलाका है और वो साफ सुथरा रहता है, तो आपको नहीं लगता देहरादून उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरा है? क्योंकि देहरादून का आप मोस्टली जितना भी इलाका देखेंगे साफ रहता है, वहाँ आपको गंदगी जल्दी से दिखेगी नहीं देहरादून के अंदर, तो एक तरीके से आपको ये लगता नहीं कि एडवांटेज है देहरादून में इतनी साफ सफाई, इतने पेड़ पौधे आपको हर जगह मिल जाते हैं किस तरीके से? देहरादून में तो पेड़ पौधे बहुत है, देहरादून में मौसम कितना अलग है, मुंबई का मौसम और देहरादून के मौसम में जमीन आसमान का अंतर है। फर्स्ट टाइम जब मैं विंटर में वहां से चला था मुंबई से, तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं देहरादून लैंड हुआ ना, तो यार मैंने स्वेटर पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ था, लेकिन मेरे को फिर भी ठंडा लग रहा था। यहाँ पे तो आपको डबल ट्रिपल लेयर का तो ड्रेस पहनना ही पड़ता है, उसके बाद अगर आप गाड़ी चलाते तो फिर भी ठंडा लगता है।
तो चलिए आपने काफी सारी चीजें बता दी है जैसे कि देहरादून और बॉम्बे के बारे में, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मतलब इसको खत्म करने की ओर जाते हैं इस सेशन को। तो मतलब कि पांच एडवांस चीजें बताइए आप बॉम्बे के बारे में कि जो देहरादून में आपको नहीं मिल सकती, पांच चीजें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चीजें नहीं, एडवांस और कुछ मतलब अलग ही कुछ हटके यूनिक चीजें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगी बॉम्बे के बारे में। बॉम्बे के बारे में जैसे अगर आप फिल्म्स के बारे में देखा जाए, फिल्म्स के बारे में जो प्रॉप स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे, तो आपको जैसे घर में सेट बनाना है, जैसे आपने ये सेट अच्छा सा बनाया है, ठीक है, तो जैसे सेट बना रखा है तो उसके लिए आपको सामान घर से नहीं लाना पड़ेगा, दुकान से नहीं लाना पड़ेगा, आप रेंट पे कोई भी प्रॉप शॉप से अपना सामान सीधा हायर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो मतलब प्रॉप्स वगैरह फिल्म्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है, बहुत जल्दी आपको सामान मिल जाता है। दूसरा ये है कि मुंबई में नाइट लाइफ एंजॉय करने का अलग ही मजा है, और जो देहरादून में आपको नहीं मिल सकती, देहरादून नहीं मिल सकता। या थर्ड चीज, तीसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत ही मॉडर्न है, थोड़ा मॉडर्न है, देहरादून में भी है मॉडर्न लोग, लेकिन मतलब वहाँ के मुकाबले नहीं है। हाँ, वहाँ के मुकाबले। चौथी चीज बताइए। चौथी चीज यार, वैसे यार पांच चीजें बताना तो मुश्किल है, दो चीज और रहेगी। मुंबई में यार लाइट नहीं जाती यार, कभी नहीं जाती आज तक तो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं कि लाइट गई हो। ओके, देहरादून में यार चले जाती है कभी ना चलिए, विकास नहीं हो रहा अभी, ठीक है। और पांचवी चीज यार, मुंबई में गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी दिखती हैं, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ठीक है। ये पांच चीजें होगी बॉम्बे के बारे में, इतनी सारी मतलब पांच चीजें देहरादून के बारे में जो आपको बेहद अच्छी लगती है और मतलब अलग ही मतलब जो आपको फील होती है। देहरादून की बारे में क्या बताऊंगा मैं, पांच से ज्यादा होगी पर आप पांच बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो देहरादून का मौसम, ठीक है, देहरादून का मौसम बहुत ही अलग है, देहरादून का मौसम है ऑसम, ठीक है। और गाड़ियां यहाँ पे बहुत कम है, ट्रैफिक कम है, पर बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ तो बहुत रही है यार, अभी यार कितनी गाड़ियां होगी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे देहरादून में मसूरी जाइए, आप बर्फ का मजा लीजिए, मुंबई में आप कहाँ बर्फ का मजा लेंगे, नहीं ले सकते। उसके बाद देहरादून में यार खेलने के लिए पार्क्स, बड़े बड़े ग्राउंड और फ्री, मुंबई में तो यार पार्क्स में खेलने के पैसे देने पड़ते हैं यार, ये क्या मजा है। कितने रुपए? लगभग 200 रुपए घंटे के, बताइए 200 रुपए घंटे। उसके बाद भी आपको प्री बुक करनी पड़ती है कोई कोई लोकेशन की, यार जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं खेलने तो आपको घंटे के हिसाब से बुक करना पड़ेगा कि उनके टाइम पे आप ना जाओ। और सबसे अच्छी चीज देहरादून की क्या है, क्या देहरादून में आके ना मेरा होम टाउन है ना, तो मुझे अलग ही फील आती है जो बॉम्बे में नहीं आता, बॉम्बे में नहीं आता। तो आप क्या सोचते हैं अगले 5 साल या 10 साल में, आप क्या देखते हैं कि आप देहरादून वापस आना चाहेंगे या बॉम्बे में अपनी लाइफ सेटल करके आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आप क्या मतलब किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? देखिए जैसे बताता हूँ आपको, विशाल भारद्वाज जी शूट करते हैं कई बार, यहाँ आके भी शूट करते हैं, यहाँ आके भी शूट करते हैं और रहते हो मसूरी में, ठीक है। और सिर्फ विशाल भारद्वाज जी की बात ना करते हुए हम करण जौहर की बात करें, साउथ इंडियन मूवीज के बारे में बात करें, तो आजकल आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने सारे बॉलीवुड वाले लोग आ रहे हैं और यहाँ पे शूट कर रहे हैं, और साउथ से भी आ रहे हैं और इवन फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पे शूट करने के लिए लोग आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो एक तरीके से यहाँ पे मतलब डेवलप हो रहा है फिल्म का वो भी, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉम्बे तो बहुत ही एडवांस है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत सारे फिल्म मेकर हैं देहरादून के जो बाहर जाके शूट करते हैं और जब उनका शूटिंग खत्म हो जाता है तो वापस आके देहरादून पे रहते हैं, अपनी फिल्में रिलीज करते हैं उधर और वापस इधर रहते हैं। तो ये भी करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। तो क्या देखते हैं फ्यूचर, कहाँ देखते हैं देहरादून में या बॉम्बे में? मैं सोचता हूँ कि फिल्में तो मैं मुंबई में बनाऊंगा क्योंकि देहरादून में फिल्में बनाना इतना मुश्किल है थोड़ा भी, क्योंकि यहाँ पे चीजें तो हैं यार, यहाँ पे ना प्रॉप शॉप है ना यहाँ पे सेट बनाने, सेट कौन बनाएगा यहाँ, सेट बनाने के लिए होगी नहीं है, प्रोडक्शन डिजाइनर ऐसा ज्यादा खर्चा होगा। हाँ, तो सेट बनाना है, लोकेशन यहाँ की जैसे नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये बात। तो आप यहाँ पे मेरे को लोकेशन ऐसी लेनी पड़ेगी जहाँ पे सेट ना बनाना पड़े, बिल्ट लोकेशन पहले से ही बनी हुई। तो आप क्या मानते हैं देहरादून ज्यादा अच्छा है कि बॉम्बे ज्यादा अच्छा है? यार ऐसा तो नहीं बोल सकता है, नहीं फिर भी आप एक दिल के अंदर से आवाज आती है ना, देहरादून ज्यादा अच्छा है बॉम्बे ज्यादा अच्छा है, हमारी जनता जानना चाहती है क्योंकि ये देखिए दोनों जगह अपने हिसाब से सही है, हिसाब से तो सब जगह। तो देखिए मेरा अगर मैं देखना चाहूँ तो बॉम्बे मेरा क्या बोलते हैं, बॉम्बे मेरे को वेल्थ देगा, मेरे को पैसा देगा, ठीक है, देहरादून तो मेरा होम टाउन है तो मैं यहाँ रहूंगा ही। लेकिन 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 जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है इस वक्त कि देहरादून अच्छा है या बॉम्बे अच्छा है, ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन यही शो का नाम है देहरादून वर्सेस बॉम्बे। तो अभी आप बताइए, आप सीधा एक बात बोलिए कि आपको देहरादून अच्छा लगता है बॉम्बे? अच्छा तो यार देहरादून लगता बस है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, भारत गुप्ता जो बॉम्बे में करीबन 1 या 2 साल से रह रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी फिलहाल देहरादून अच्छा है, पता नहीं आगे जाके उनको क्या अच्छा लगता है, लेकिन जीत हुई है इस वक्त देहरादून की बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, एनवायरमेंट एंड पीपल, जो हमारे लोग हैं
देहरादून लास्ट में बोल जाते हैं देहरादून के लोगों के बारे में, जो यहाँ के लोग हैं शायद ही आपको किसी सिटी में इस प्रकार के लोग मिलेंगे, हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल, मतलब जिस देहरादून के लोग सामने से आके हेल्प करते हैं, सर आपको कोई फिल्में बनानी है सर हमारा पैसा लीजिए, खुश मिजाज लोग हैं यहाँ पे, पहाड़ी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, देसी लोग हैं, मतलब मिलकर रहते हैं। देहरादून में भी बहुत वैरायटी हो गई है, डाइवर्सिटी बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी देहरादून के अंदर जो है एक यूनिकनेस जो मिलती है वो कहीं आपको नहीं मिलेगी आपको लगता है। तो मतलब हमारा शहर है तो अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन हकीकत में अच्छा है, लोग बाहर बाहर से यहाँ आते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों साथियों इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म करते हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका थैंक यू कि आप मेरे पहले एपिसोड में आए जिसका नाम है अभिषेक टॉक्स। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जरा बता दीजिए यार। हाँ अभिषेक भट्ट 1021 लिखिएगा, अभिषेक भट्ट ABR के भी लिख सकते हैं, ABR के भी लिख सकते हैं, अभिषेक भट्ट नहीं यार, अभिषेक भट्ट लिखते हैं तो कोई और ही खुल जाता है मुझे तो ऐसा लगता है। अभिषेक भट्ट आएगा और मेरे प्रोफाइल पे मैंने माइक पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं रैपिंग भी करता हूं आप जानते होंगे। तो इसी के साथ लेकिन हम शो खत्म करते हैं और आपको मैं चाय या फिर जो भी आप पीना चाहेंगे जरूर पिलाऊंगा, विस्की खत्म हो चुकी है तो वो लानी पड़ेगी अगर आपको पीनी है बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना पहला एपिसोड खत्म करते हैं तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू गाइस।